जब अगस्त्य मुनि ने समुद्र का सारा जल पी लिया एक समय था जब देवताओं के आग्रह पर अगस्त्य मुनि मुनि ने सभी समुद्रों का जल पी लिया था ताकि देवता राक्षसों का वध कर सके। आज हम आपको उसकी कथा बताएंगे राक्षस राज वृत्तासुर का वध एक समय दैत्यों का राजा वृत्तासुर था जो राजा इंद्र व उनकी सेना पर आक्रमण करता रहता था सभी देवता उससे परेशान थे इसलिए देव इंद्र ने महर्षि दधीचि की स्तुति कर उनकी हड्डियों से शक्तिशाली वज्र का निर्माण किया वृत्तासुर का वध कर डाला वृत्तासुर का वध होते ही दैत्य सेना में हाहाकार मच गया वह सभी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे सभी राक्षस समुद्र में छुप गए वृत्तासुर के वध के पश्चात दैत्यों के पास कोई राजा नहीं था तब सभी धरती पर अपना जीवन बचाने के लिए छुपने लगे लेकिन देवता उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे इसलिए सभी दैत्यों ने समुद्र के नीचे छुपने का सोचा ताकि देवता उन्हें ढूंढ ना सके यह सोचकर सभी दैत्य समुद्र की गहराइयों में जाकर छिप गए देवता हुए परेशान दैत्यों के समुद्र में छिपे होने के कारण देवताओं को उन्हें ढूंढने में बहुत समस्या आ रही थी चूंकि समुद्र अति विशाल होने के साथ साथ बहुत गहरा भी था व साथ ही पानी के अंदर देखा नहीं जा सकता था इसलिए देवता दैत्यों का वध कर पाने में असमर्थ थे साथ ही दैत्य रात्रि में समुद्र से बाहर निकलकर आर्शी मुनियों पर आक्रमण कर उन्हें खा जाते थे जिस कारण देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास दैत्यों के छल से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए व उनसे सहायता मांगी भगवान विष्णु ने कहा कि दैत्यों को तभी मारा जा सकता है जब समुद्र का जल सूख जाए इसके लिए उन्होंने उपाय सुझाया कि पृथ्वी पर ही अगस्त्य मुनि नामक एक महान तपस्वी रहते हैं जो अपनी शक्ति से समुद्र के जल को पीकर उसे सुखा सकते हैं देवताओं ने मांगी अगस्त्य मुनि से सहायता भगवान विष्णु से आदेश पाकर सभी देवता अगस्त्य मुनि से सहायता मांगने गए जब आरष्य अगस्त्य ने देवताओं की समस्या सुनी तब वे उनकी सहायता करने को तैयार हो गए वे सभी देवताओं के साथ समुद्र के तट पर गए वह अपने हाथ से जल लेकर पीने लगे देखते ही देखते सारे समुद्र का जल समाप्त हो गया व दैत्य उसमें साफ दिखने लगे दैत्यों के बाहर आते ही सभी देवताओं ने उन पर भीषण आक्रमण कर दिया व सभी का वध कर दिया कुछ दैत्य डरकर वहां से भागकर पुनः पाताल लोक चले गए इस प्रकार अगस्त्य मुनि ने समुद्र का जल पीकर देवताओं व आर्शी मुनियों की सहायता की व दैत्यों का अंत करवाया जब देवताओं ने राक्षसों का वध करने के पश्चात अगस्त्य मुनि से समुद्र का जल वापस लौटाने को बोला तो उन्होंने इसमें असमर्थता दिखाई व उन्हें बताया कि अब वह सारा जल पच चुका है देवता गए भगवान ब्रह्मा के पास सभी देवता अगस्त्य मुनि के द्वारा समुद्र का जल ना लौटा पाने के कारण भगवान ब्रह्मा से सहायता मांगने गए तब भगवान ब्रह्मा ने बताया कि कुछ समय के पश्चात भागीरथ भगीरथा इस पृथ्वी पर आएंगे व उनके तप से मां गंगा का इस पृथ्वी पर आगमन होगा उन्हीं के जल से विश्व के सभी समुद्र पुनः भर जाएंगे